SSH India। नई बाजार नगर पंचायत के वार्ड संख्या 11 में पेयजल समस्या को लेकर एक दर्जन महिला कार्यालय पहुंचकर अपनी व्यथा बताई, अधिकारियों के विरुद्ध नारेबाजी भी की। सूचना पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष दिलीप गुप्ता भी पंचायत कार्यालय पहुंचे और ईओ से वार्ता कर समस्या का कारण पूछा, साथ ही तत्काल समाधान की दिशा में कार्य करने का आग्रह किया। महिलाओं ने बताया कि 18 महीना से अधिक समय हो गया कार्यालय द्वारा सीवर लाइन विस्तार कराया जा रहा था, उसी समय पुरानी पेयजल पाइप लाइन उखड़ गई थी, तब से अब तक पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। इस संबंध में पंचायत अध्यक्ष विजय सोनकर ने बताया कि सीवर विस्तार कार्य होने के बाद पेयजल पाइप लाइन विस्तार का टेंडर हुआ है। कोरोना के चलते धनाभाव में दिक्कत थी, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वार्ड में पेयजल आपूर्ति के लिए मोहल्ले के ही अमित सिंह के सबमर्सिबल पंप से पाइप लाइन को कनेक्ट कराया गया है। 24 घंटे आपूर्ति हो रही है। स्थायी समस्या समाधान के लिए पाइप लाइन विस्तार का 24 अगस्त को टेंडर भी हो चुका है, शीघ्र निर्माण शुरू हो जाएगा। पंचायत पहुँचने वाली महिलाओं में हमीदुन, कमरुननिशा, फातिमा बेगम, महरुननिशा, राबिया, किताबुन, हीरावती देवी, ताहरा बेगम आदि थी। यहाँ के पानी है, वहाँ की टंकी है, जब जो है सीवर लाइन पड़ रहा था नीचे नीचे, तो जो है उसी समय पाइप लाइन है उसके साथ ही जो है पाइप लाइन पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए फिर एक बार गड्ढा हो, फिर जो है एक हो, ये कहाँ का जो है, कौन यही करा रहा है हमको ये बता दीजिए, और कौन सत्यापन कर रहा है और कौन पेमेंट कर रहा है, शासन का पैसा भी बर्बाद हो रहा है, उसी सड़क को दो बार तीन बार जा रहा है, परेशानी हो रही है साहब, रोड से बाहर निकलना, घर से निकलना, कितनी परेशानी हो जा रही है हम लोग को, हम लोगों ने 4 महीना झेले अपने घर में रह रहे के, मट्टी लगा लगा के हम लोग अपने घर में जाए हुए हैं, इन्होंने रोड खोद खोद के छोड़ दिया था। साहब जब पाइप नहीं डलवाए, पाइप नहीं डलवाए तो हमका पानी की बहुत समस्या बा, बहुत दिक्कत बा, तो चेयरमैन साहब एक समरसेबुल ढिलवा दिन है पाइप के, पुराना मुरझा हुआ, और जनता हमसे कहे कि पुराना हुए, चलिए चले चले पानी से मतलब पानी निकली भाई, बिगड़ी बनी, समझा था नहीं, वो भी दो महीना हो गया, हम साहब से अवगत करावा हैंड पाइप समर। नगर वार्ड के निवासियों का आरोप है कि उनके यहाँ 2 साल से पानी नहीं मिल पा रहा है, क्या कहेंगे आप? आरोप बेबुनियाद है, और कुछ जो लोग हैं नगर में पूर्व में पद पे रह चुके हैं उनकी वजह से सब हो रहा है, और हमने माननीय अमित सिंह जी से जब हम उनका समरसेबुल से कनेक्शन जुड़वा के लगातार पानी देते आ रहे हैं आज तक, और आप देख भी सकते हैं कि हमने अभी तक उनको 3 टाइम पानी देते हैं, पैसे के अभाव में थोड़ा सा लेट काम होगा, लेकिन पानी की कहीं जड़ा से भी दिक्कत नहीं है, पूरे वार्ड में सभी को दिया जा रहा है, सभी को दिया जा रहा है, जहां पाइप लाइन नहीं है, जिन लोगों की शिकायत है उन्हें हमने माननीय अमित सिंह के समरसेबुल से पाइप लाइन जोड़ के उन्हें लगातार पानी दे रहे हैं। फिर क्यों आरोप लगा रहे हैं वो लोग कि हमको? आरोप अब कुछ लोग हैं नई बाजार में जो चढ़ाते बढ़ाते रहते हैं, इसी वजह से जनता है भड़क जाती है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वहाँ 24 घंटे पानी अमित सिंह के समरसेबुल से जा रहा है। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।